टुंडा जी, ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? हमारे दादीराज के देहांत को कुछ ही दिन हुए हैं और आप चाहते हैं कि हम रंगों और खुशियों का त्योहार होली मनाएं? हराड़ा जी, आपको सभी सामंतों और अधिकारियों के साथ होली खेलनी और उनके साथ आपको जंगली सुअरों के आखेट पे भी जाना है। यही परंपरा है और इस परंपरा के अनुसार होली उत्सव और आखेट के दौरान आपको सभी सामंतों और प्रमुख अधिकारियों में से अपने लिए मंत्री का चुनाव भी करना पड़ेगा। आप भली भांति जानते हैं कि हमें आखेट में कोई रुचि नहीं है। राणा जी, अब आप एक व्यक्ति नहीं मेवाड़ के राजा हैं। आपको अपनी रुचियों के अनुसार नहीं, राजधर्म से जुड़ी परंपराओं और इस पद से जुड़ी अपेक्षाओं के अनुरूप चलना चाहिए। इन राज की परंपराओं के पीछे मंतव्य ये है राणा जी कि देश की प्रजा और देश के बाहर सभी मित्रों और शत्रुओं तक इन गतिविधियों से ये संदेश पहुंचता रहे कि मेवाड़ नरेश निज शोक से उभर चुके हैं, ताकि संसार को लगे कि मेवाड़ अपने एक राणा के निधन के बाद भी सुखी संपन्न और गौरवपूर्ण है और विकास और समृद्धि की ओर अग्रसर है। चुंडावत जी, मातृ सूर के आखेट या होली खेलने से हमें संकेत कैसे देते? ठीक है, हम समझ गए। निजी दुखों में डूबे रहने की छूट उन्हीं को होती है जिनके सर पे राजमुकुट नहीं होता। राजा को तो सदा दृढ़ और उत्साही दिखना पड़ता है, विशेष कर तब जब उनका निजी मन अपनों के गहरे दुख में डूबा हो। ठीक है चुंडावत जी, यदि यही परंपरा रही है तो ऐसा ही होगा। राज्य की छोटी से छोटी दासी भी आपको आपके नाम से पुकारेगी। आज से आपको कोई राजकीय सेवा नहीं दी जाएगी। आज के बाद मेवाड़ नरेश से सीधे बात करने का अधिकार भी खो देंगे आप। आज से आपको जीवन निर्वाह के लिए साधारण देशद्रोही बंदी को दिया जाता है उतना भर भत्ता मिलेगा। आज हम राजमाता के कहे हुए हर एक शब्द पर अपनी सहमति की मोहर लगाते हैं। खम्मागढ़ी कोई ताराबाई आई है, मिलना चाहती है आपसे। गुप्तवार से लाना उसे, किसी को कुछ पता ना चल पाए। जो हुक्म रानी साहब। हम यही हैं रानी साहब। जब आपने एक बार ताराबाई को कोई काम सौंप दिया तो आप निश्चिंत होकर अपनी सारी चिंताएं हमें सौंप दीजिए। तुम यहाँ कैसे? हमारे सांप जैसे कोमल और लचीले शरीर को कहीं आने जाने के लिए दरवाजों की आवश्यकता नहीं पड़ती रानी साहब। आपकी हत्या के साथ साथ आप पर दोहरा उत्तरदायित्व है ताराबाई। प्रताप की दोनों रानियों के बीच मन मुटाव और अविश्वास का बीज बुना है, लेकिन प्रताप की दोनों रानियों के बीच में मन मुटाव पैदा करके आपको क्या लाभ होगा रानी साहब? पूरे बल के साथ हमारे पुत्र को राजगद्दी से फेंकवा दिया। इतनी आसानी से मृत्यु थोड़ी देंगे गौर प्रताप को। बहुत रुलाएंगे उन्हें, उनके अंतर मन में कलह पैदा करेंगे। इतनी कलह के उनका ध्यान व्यतीत हो जाए। और सच मानिए तो आपको भी सरलता होगी यदि कुंवर प्रताप का मन व्यतीत हो गया तो। समझ गई रानी साहब। छोटी दादी माँ, आपने जो दाजीराज के साथ किया ना, वो आपने बिल्कुल अच्छा नहीं किया, पर जो हुआ अच्छा हुआ।
क्योंकि बड़ी दादी माँ कहती है कि इंसान गलतियों का पुतला है और वो गलतियों से ही मान बनता है और हम भी इसमें विश्वास रखते हैं। छोटी दादी माँ ये कौन है? ये फूल की विशेष दासी है और मारवाड़ से हमारी खास सखी। लगता है आपको इतनी अच्छी नहीं लगती आपकी छोटी मासा। आपकी हिम्मत कैसे हुई उसे कहने की? हम अपने दोनों माओ से एक समान प्रेम करते हैं। अच्छा तो आप ही सहायता कीजिए ना अपनी छोटी मासा की उनके पति से अंतरंग भेंट में, क्योंकि जहाँ तक हमें पता चला है आपकी छोटी मासा केवल अभिलाषा ही कर पा रही हैं महाराणा प्रताप से मिलने की, लेकिन मिल नहीं पा रही हैं। तो आप ही बताइए कि क्या किया जाए। ठीक है, पर क्या है आपके पास कोई योजना? हाँ बिल्कुल है योजना। मैं अफगानिस्तान का मिर्जा आपको पूरे अदब के साथ यकीन दिलाना चाहता हूं कि हम हमेशा एक दोस्त की मानिंद आपका साथ देंगे। अगर अफगान ने मिर्जा का साथ दिया तो फिर जंगे हल्दी घाटी कभी नहीं जीत पाएंगे। फौरन मिर्जा पे हमले की तैयारी है। जोड़ा जी सभी सामंतों दरबारियों और प्रमुख सेनापतियों को होली उत्सव पे आमंत्रित किया जाए और इन्हीं आमंत्रित गणमान्य अतिथियों में से हम अपने मंत्रिमंडल का चुनाव करेंगे और इस अवसर पर हम एक अनौपचारिक परीक्षा भी ले लेंगे उनकी। दादीराज, 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 चलिए ना हमारे साथ छोटी मगर कक्ष में। वहाँ कैसी बात है, इसे देख के तो आप भी विस्मित हो जाएंगे एक बार। अमर सिंह जी हम एक आवश्यक कार्य में व्यस्त है, अब चलिए हम आते हैं। दादीराज यदि हम आपसे एक बात करें तो बुरा तो नहीं मानेंगे ना? क्या हमने आज तक आपके किसी बात का बुरा माना है जो आज मानेंगे? दादीराज जब से आप राणा बने ना अब तो जैसे हमें भूल ही गए। अब हर समय राजकाज के कार्यों में लगे रहते हैं और आपने तो जैसे हमें। अच्छा ठीक है, आप जीते हम हारे, आइए चलते हैं, अभी आते हैं, आइए। हे भगवान कितनी सुंदर पायल है ये अजब थे, ये आपने स्वयं बनाई? आपके लिए। कितनी जड़ाऊ है ये, कितना समय लगा होगा आपको इसे बनाने में? 5 वर्षों से आप ही के लिए बना रहे हैं और अब हमें लगता है कि उचित समय आ गया कि हम इसे आपको सौंप दें। वैसे भी आप मेवाड़ की महारानी जो बन गई है अब। अजब तक भूल जाइए कि क्या कहा जाता है हमें, पर सच्ची बात तो ये है कि मेवाड़ की महारानी वही है जो मेवाड़ के महाराज के मन पे राज करे और वो तो आप ही है। छोटी माँ, छोटी माँ, छोटी माँ चलिए देखते हैं क्या आपके कक्ष में, चलिए। अरे चलिए। अमर सिंह जी कहाँ ले जा रहे, रुकिए तो, चलिए।
किसने किया ये दुसाहस? क्षमा कीजिए रानी सा, हमने किया है ये अपराध। दासी ने मारवाड़ में बरसों आपकी पुरानी दासियों के साथ आपकी सेवा में समय बिताया है। आपके दाता ने हमें यहाँ आपके सभी निजी चित्रामों को आपको मारवाड़ से सौंपने के लिए यहाँ पहुँचाया है। किंतु तुम्हें इन्हें यूँ खुलकर नहीं लगाना चाहिए था। कोई देख लेता इन्हें तो क्या सोचता हमारे बारे में? देख लेता तो देख लेता रानी सा, और इसमें बुराई क्या है? ये तो आपका प्रेम है ना, जो आपके पति के लिए है। ये देखिए, हम तो आपके वो सारे पत्र भी लाए हैं जो आपने तब कुंवर प्रताप को लिखी थी, लेकिन आपने आज तक उन्हें भेजे नहीं। भूल, ये सब क्या है? अरे भूल तो पायल यहीं पर भूल गई। भूल क्या है ये सब? भूल आप हमसे इतना घनिष्ठ प्रेम करती हैं। हमने तो आपको परसों पहले बोला था कुंवर प्रताप, किंतु तब हम बच्चे थे। जैसे जैसे बड़े होते गए आपके लिए प्रेम बढ़ता गया हमारे मन में, और साथ भी तो नहीं छोड़ा इसने हमारा। क्या करते हो? इसका अर्थ ये हुआ कि आप हमें और अजब देखो? हम आप दोनों के बीच में रंग में भंग डालने वाली भूमिका के साथ नहीं आ सकते थे, इसीलिए जानबूझकर हम आप दोनों से दूर चले गए। और नियति के खेल को देखिए, जहां से भागे थे वही लाकर खड़ा कर दिया। क्षमा कीजिएगा हमें फूल, आपको जितना मिला है आपको उससे अधिक मिलना चाहिए था, किंतु फूल अजब दे हमारा पहला प्रेम था, है और रहेगा। ये बात तो हम सदा से जानते थे कुंवर प्रताप, किंतु ये जो मन है इसको कैसे समझाए हम? ये ना तब कुछ समझ पाता था ना आज कुछ समझ पाता। ऐसा पागल है कि क्या कहे आपको। सदा अधूरा अधूरा अनुभव करते हैं हम आपके प्रेम के बिना कुंवर प्रताप, ये जानते हुए भी कि ये हमें कभी नहीं मिलेगा। अजीब से भंवर में फंस गए हम कुंवर प्रताप। मित्र के रूप में कभी कर सके तो करे हमारी सहायता, समझाए हमारे इस मन को हौले से। मित्र तो है ना आप हमारे, संभालिए अपने आप को फूल, संभालिए अपने आप को। हम इसके लिए भी कोई ना कोई मार्ग अवश्य ही ढूंढ लेंगे। वचन देते हैं हम आपको, भूल जाइए कि क्या कहा जाता है हमें, पर सच्ची बात तो ये है कि मेवाड़ की महारानी वही है जो मेवाड़ के महाराज के मन पे राज कर रही है, और वो तो आप ही। हमारे विचार से आपको कुंवर प्रताप और भूल कंवर को निजी क्षण और निजी स्वतंत्रता देनी चाहिए। हम जानते हैं कि
वैवाहिक जीवन में किसी और के लिए अपना स्थान छोड़ना बहुत बहुत पीड़ादायक होता है, और आपके लिए तो और भी पीड़ादायक होगा, क्योंकि आज तक अपने वैवाहिक जीवन में आप अकेली थी और आप सूत सूत करके फूल कवर के लिए आपको जगह छोड़नी पड़ेगी। जिस गति से फूल कवर आगे बढ़ रही है, आपको अपने आप को बहुत जल्दी बदलना पड़ेगा। हमें लगता है कि जिस तरह रानी माँ ने आपसे राजनीतिक विषयों पर बात करने से रोका था, ठीक उसी तरह आपको दूसरों के निजी जीवन में हस्तक्षेप करने से भी रोक लेना चाहिए था। क्षमा कीजिए, हमने आपको बहुत दुख दिया है। जी चाहता है बस कि हम कुछ कर पाते। नहीं नहीं कुंवर प्रताप, आपको क्षमा मांगने की आवश्यकता नहीं है। हमें तो इतना मिल गया जितना हम अपने सपने में भी नहीं मांग पाए थे आपसे। हमने तो इन तस्वीरों के साथ अपना जीवन जीने के लिए अपने आप को मना लिया था, और देखिए आज आपके साथ आपके पास जीवन जीने का अवसर मिल रहा है हमें सच्चे प्रेम के लिए। ये कोई कम बड़ा पुरस्कार नहीं है। ये तस्वीरें, आप चिंता मत कीजिए, इन्हें हम हटवा देंगे। आज अब तुमने देख लिया तो हमें कल के उत्सव की तैयारियां करनी है। चलते हैं। कीजिए, आपको जितना मिला है आपको उससे अधिक मिलना चाहिए था। संभालिए अपने आप को, हम इसके लिए भी कोई ना कोई मार्ग अवश्य ही ढूंढ लेंगे। शहंशाह, अब हम अफगान इलाके में हैं और बहुत जल्द हमारी फौज मिर्जा पर हमला कर उसे आपके हुजूर में घुटने टेकने पर मजबूर कर देगी। नहीं नहीं, हमें कोई जल्दी नहीं है किसी को झुकाने की। फौज अभी अभी आगरा से चलते चलते आई है, थक के चूर होगी, और चूंकि मिर्जा को हराना हमारे हल्दी घाटी वाले मंसूबे का अहम मौका है, इसलिए हम कोई मौका नहीं लेना चाहते। कल आराम से तरोताजा दम होके हमला करेंगे हम पे, और हाँ, हमला फिर कल जो हो वो जानलेवा होना चाहिए। जी जहांपनाह, और शहंशाह, मेवाड़ की रानी धीर भाई जी का पैगाम आया है आपके लिए, कहें तो पढ़कर सुनाएं। आपने हमारे प्रति जो स्नेह अपने संदेश में दिखाया, जो मान और जो आश्वासन हमें दिया, हम उसके लिए मन से आपके आभारी हैं। जब हम जीवन के हर आस खो चुके थे, आपके संदेश ने हमारे लिए संजीवनी का काम किया। मेवाड़ और हमारे लिए आपकी भविष्य की योजनाओं के बारे में जानकर हम एक नए उत्साह का अनुभव कर रहे हैं। शहंशाह, हमने एक हत्यारन विषकन्या को लगाया है प्रताप के विरुद्ध। यदि वो सफल हो गई फिर तो बहुत ही सरल हो जाएगा आपका काम। ये राजपूत कौम भी कमाल है। कमाल है, हर वक्त हैरान करती रहती है। यहाँ तो जिंदगी की परवाह किए
जंग में मौत को पछाड़ के हैरान के हैरान, या फिर आपस में ही एक दूसरे की खामोशी का मजाक, जड़े काटने में मुब्तिला रहे। इंशाअल्लाह कामयाबी मिले आपको दीर भाई और प्रताप की छोटी अंगड़ी।